Hi guys, this is Sakshi and welcome back to my channel. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर रिमूविंग स्प्रे, जिससे आप अपने अनवांटेड हेयर या फिर अपने हाथ पैरों के कहीं के भी बाल इजिली क्लीन कर सकते हैं. वैक्सिंग से बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रीम से भी ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है या फिर हमें इरिटेशन होने लगती है, और रेजर से भी हमारे जो हेयर होते हैं वो हार्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये सारे मेथड होते हैं आपके हेयर रिमूव करने के, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे. ये न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे है, यानी कि ये स्प्रे फॉर्म में आता है. आपको जिस स्प्रे करना है, जितने भी पोर्शन पे आपके हेयर हैं उतने पोर्शन पे आपको स्प्रे करना है, और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक इसको लगाकर छोड़ देना है. तो ये है न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे, और ये स्प्रे फॉर्म में आता है. आप देख सकते हो ये स्प्रे फॉर्म में आता है, जितने पोर्शन पर आपके हेयर है आपको उतने पोर्शन पर इसको स्प्रे कर देना है. तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें ये किस तरह से यूज करना है. लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, विच इज कम्प्लीटली फ्री. नाउ मूव ऑन टू वीडियो. और मैं इस स्प्रे का लाइव रिजल्ट आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ. मेरे हाथ पैर पे इतने ज्यादा बाल नहीं है क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही वैक्सिंग की थी, तब तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था. अगर पता होता तो मैं इसको डेफिनेटली यूज करती. लेकिन मैं किसी ऐसे के ऊपर लगाकर दिखाने वाली हूँ जिनकी लेग्स पर बहुत ज्यादा बाल है, उन्होंने आज तक ना तो वैक्सिंग की है ना ही अपने हेयर्स को रिमूव किया है. तो आपको लाइव रिजल्ट इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा. तो ये है न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे, और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर मेन और वुमेन दोनों के लिए है, यानी कि मेल या फीमेल इसको यूज कर सकते हैं. पैराबिन फ्री है, यानी कि इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम, इचिंग, इरिटेशन नहीं होगी. तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है. अब मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ना ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ. तो ये है इसकी बॉटल, और ये स्प्रे फॉर्म में आता है इस तरह से. आपको यूज करने से पहले इसको शेक करना है, और उसके बाद आप जितने पोर्शन के हेयर क्लीन करना चाहते हैं उतने पोर्शन पे आपको ये स्प्रे कर लेना है. बिल्कुल लिक्विड यानी कि पानी वाली फॉर्म में आता है. आपको इसको लगाकर रखना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वाइप आउट कर देना है. तो गाइज, ये है न्यूड का हेयर रिमूवर स्प्रे, और ना मैं आपको ऐसे किसी पर करके दिखा रही हूँ जिनकी लेग पर आप देख सकते हो कि फुल ग्रोथ है. इन्होंने कभी भी वैक्सिंग नहीं कराई है, कभी भी अपने हेयर्स रिमूव नहीं किए हैं. तो बॉटल को यूज़ करने से पहले आपको शेक करना है, और उसके बाद उस वाले पोर्शन पर अप्लाई करना है जहाँ के आप हेयर रिमूव करना चाहते हैं. और साथ में ही आते हैं ये कॉटन वाइप टिश्यूज़, ये जस्ट कॉइन साइज आएंगे, और आप इसको पानी में डाल के रखेंगे 1 से 2 मिनट तक, तो ये कम्प्लीट वेट वाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इसी से हमें करने हैं अपने हेयर क्लीन. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वेट टिश्यू या फिर वेट टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं. अब ना मैं उस वाले पोर्शन पर इसको क्लीन कर लूँगी जहाँ पर मैंने हेयर स्प्रे किया था. अब आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हेयर ना वाइप करने में ही निकल गए, ना कोई पेन हुआ ना ही किसी टाइप की इरिटेशन हुई. और आप देख सकते हो कि जो स्किन है ना वो भी क्लीन हो गई है, और जो कलर होता है क्रीम लगाने की वजह से कभी कभी ब्लैक हो जाता है, बट इससे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है, शाइन कर रहे हैं. और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हेयर रिमूव हो चुके हैं. अब मैं आपको दिखा देती हूँ डिफरेंस. ये वाली जो स्किन है ये एकदम शाइन कर रही है क्लीन होने की वजह से, और कलर भी साफ लग रहा है. और जो नीचे का कलर है जहाँ पे हेयर है वहाँ का कलर ब्लैक लग रहा है. तो बहुत ही इजीली आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हो इस हेयर रिमूविंग स्प्रे से. तो गाइज, आप लोगों ने देख लिया ना कि आपको ये हेयर रिमूवर स्प्रे किस तरह से यूज करना है. और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना. पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें. एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.